स्टार्ट। हाँ शकील भाई, कॉल कहाँ पर हुआ था? कल रात को तकरीबन सटाना से 2 किलोमीटर अंदर चौ गांव के अंदर एक शख्स कुएं के अंदर गिरा हुआ था। कल रात से सटाना फायर ब्रिगेड और स्थानीय तैराकों ने बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन बॉडी तलाश ना कर पाए। पानी ज्यादा होने की वजह से उन्हें बॉडी मिली नहीं। आज सुबह तकरीबन 9 बजे की टेम सटाना पीआई और सटाना के पुलिस पाटिल और वहां के सरपंच ने मालेगांव फायर ब्रिगेड के अधिकारी पवार साहब को फोन किया और पवार साहब ने मुझे कहा कि आप जाइए, सटाना में एक ऐसा हादसा हुआ है। मैं सुबह 9 बजे एक टीम लेकर मालेगांव से रवाना हुआ, जिसमें रवि सिजवड़ और ड्राइवर आबिद खान थे, और मौके वाकत पर पहुंचकर तकरीबन 1 घंटे से 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद डेड बॉडी को निकालने में कामयाबी हासिल की। तकरीबन कुआं 100 फुट का था और पानी बहुत ज्यादा भरा हुआ था, इसीलिए सटाना फायर ब्रिगेड और वो स्थानीय लोगों को बॉडी मिली नहीं। आज अल्लाह की मदद से सुबह पहुंचते ही मैंने 10 बजे अल्लाह का नाम लेकर बॉडी को बाहर निकाला। तालुका सरपंच और पीआई को बॉडी देकर मालेगांव रवाना। परशुराम मांडवेड, अच्छा। परशुराम मांडवेड उम्र 45 साल, वहीं के रहने वाले हैं। कुछ घरेलू तनाजा था, इसकी वजह से शायद उन्होंने ये कदम उठाया है। पुलिस कार्रवाई कर रही है, इंक्वायरी कर रही है। अल्लाह का एहसान है, ऐसी बहुत सारी जगह मैंने काम किया है और अल्लाह की मदद से यहाँ भी अल्लाह ने हमें कामयाबी दी और बॉडी निकालकर सटाना वालों को देकर मालेगांव रवाना हो रहे हैं। मालेगांव मुस्तफा भंगार बाजार डायमंड कारपेट, होलसेल रेट में कारपेट दिया जाता है। हर किस्म का यहाँ पर कारपेट दिया जाता है। हमारा पता याद रखे, मालेगांव मुस्तफा भंगार बाजार डायमंड कारपेट होलसेल रेट में दिया जाता है।